प्लांट्स टू कीप एट होम। अच्छा, 5 बेस्ट प्लांट्स। आप चंपा ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, आप स्नेक प्लांट ले सकते हैं, देन आप मनी प्लांट ले सकते हैं, तो दे आर वेरी गुड फॉर होम। लवली। ऑलराइट, सो 5 बेस्ट सेंट्स दैट समवन शुड यूज इन द हाउस ताकि घर में सुख शांति बने। ओके, आप बात कर रहे हो अरोमा की। जी, जी, आप जी. या लेमन ग्रास वेरी यूजफुल, लैवेंडर वेरी यूजफुल, देन क्लोव अरोमा इज वेरी यूजफुल, एंड चमेली ऑल्सो फॉर प्रोटेक्शन इट इज वेरी यूजफुल। ओके, चमेली आई एम गोइंग डेफिनेटली कीप इन माइंड। 5 थिंग्स टू अवॉइड कीपिंग इन द हाउस। ओके, यू हैव वॉल पेंटिंग्स, डार्क कलर अपहोल्स्ट्री, देन शार्प ऑब्जेक्ट्स एक्सपोज अगर हम रखते हैं, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स, ओके है ना, एंड देन नेगेटिव थॉर्नी प्लांट्स यू शुड अवॉइड, एंड क्रोटन स्पेशली यू शुड अवॉइड इन होम। ओके ओके ओके, सो ये 5 चीजें डेफिनेटली हमें अवॉइड करनी चाहिए। एंड you know, while you were telling this, I was actually counting in my head कि मेरे घर में क्या क्या है, इनमें से कुछ नहीं है। Alright, so एक वास्तु टिप जो कि आप एंट्रेंस, किसी का भी जो घर का एंट्रेंस है उसके लिए आप देना चाहेंगे, क्योंकि अच्छा यहाँ पर मेरा एक और सवाल ये भी है कि कई लोग जो है वो एंट्रेंस पर गणपति लगा देते हैं, लोग ये भूल जाते हैं कि गणपति के पीठ के पीछे दारिद्र बसता है, तो मैं चाहती हूँ कि एंट्रेंस के लिए आप लोगों को थोड़ा सा लाइट जो है वो प्रोवाइड करें वास्तु के थ्रू। देखिए, एंट्रेंस में कभी भी किसी भी देवी देवता का प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, दे आर नॉट अवर द्वारपाल, हमारे रक्षक भले ही है, हम पूजनीय होते हैं, लेकिन एंट्रेंस पे हमें कभी भी गणपति जी नहीं लगाने चाहिए। इनफैक्ट एंट्रेंस पे आप स्वास्तिक चिन्ह लगा सकते हैं, आप रोली से भी लगा सकते हैं, चंदन से भी लगा सकते हैं, आप हल्दी से भी लगा सकते हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं ये चीजें। प्लस आप गिलोय का एक बेल लगाए अगर अपनी एंट्रेंस पे, तो वो एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा और हमारे एनवायरमेंट को प्योर रखेगा, एंट्री को बहुत ही पॉजिटिव रखेगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस इज वन इंफॉर्मेशन दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड, जो कि दरवाजे के बाहर यू नो किसी भी देवी देवता स्पेशली गणपति का फोटो या कुछ भी लगाते हैं, तो ऐसे में ये चीज प्लीज आप लोग ध्यान रखें, गणपति जो है वो मंदिर में बड़े सुंदर लगते हैं, दरवाजे के बाहर भी। हालांकि अच्छा यहाँ पर मेरा एक और डाउट है दीप्ति जी, कई बार होता है ना कि गणपति जो है वो लगा दिए, लेकिन अगेन वही सेम चीज की पीठ के पीछे दारिद्र बसता है, तो लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि गणपति सेम उसी एंगल पर फिर पीछे जाकर दोबारा लगाए। सेम उसी एंगल में सेम साइज के लगाने होते हैं, अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक बैक में एक स्वास्तिक चिन्ह बना ले, तो दैट विल बैलेंस द एनर्जी। ओके, सो इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि गणपति की पीठ जो है वो आपके घर के अंदर की साइड देख रही है, तो उसके पीछे स्वास्तिक बनाना पड़ेगा, दैट वुड बी फाइन, राइट? बिल्कुल, रोली से, स्पेशली रोली से। जी, स्वास्तिक का वास्तु में क्या महत्व है और इसे कैसे कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं घर में? देखिए, स्वास्तिक को आप एनर्जी को एनहांस करने के लिए यूज करते हैं, जहां पे भी आप पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करना चाहते हैं आप स्वास्तिक बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको 3 तरह के स्वास्तिक बताए, रोली से इट इज अ सोर्स ऑफ ऊर्जा, हाई एनर्जी, जहां हम चाहते हैं हम रोली से बनाते हैं, चंदन से, चंदन से हम बनाते हैं नेगेटिविटी को कट करने के लिए, एंड जब हम हल्दी से बनाते हैं तो वो प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं, तो हर मटेरियल से जो स्वास्तिक बनाते हैं उसका अपना रोल होता है। घर जो है उसके अंदर एंट्रेंस तो हमने देख लिया, अब लिविंग रूम की तरफ चलते हैं। 1 टिप फॉर द लिविंग रूम। देखिए, लिविंग रूम में आप ध्यान रखें, जो आपका लिविंग रूम का ब्रह्म स्थान है यानी कि सेंटर पॉइंट है, इट शुड नॉट हैव एनी हैवी फर्नीचर। Okay. कोई भी हैवी फर्नीचर नहीं होना चाहिए, कई बार लोग बहुत हैवी फ्लावर पॉट रख देते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, अगर हैवी फर्नीचर रखते हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन भी रुकता है, प्लस एनर्जीज का भी ब्लॉकेज बन जाता है, तो एनर्जी किसी भी दिशा में ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, दैट यू कैन डू इन लिविंग रूम। एब्सोल्युटली, अगर हम आपको अपने घर में इनवाइट करेंगे तो लिविंग रूम के बाद हम तो सीधा किचन में आपके लिए चाय बनाने जाएंगे, किचन के लिए जल्दी से बता दीजिए क्या चीज में आपको मतलब क्या चीज मैं कर सकती हूँ। देखिए, किचन में जो व्यक्ति कुक कर रहा है, कुकिंग जो स्लैब होती है वो हमेशा ईस्ट फेसिंग हो तो बेस्ट रहता है, आप नॉर्थ में भी बना सकते हैं, लेकिन नेवर इन वेस्ट एंड नेवर इन साउथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस किचन में आप जो नाइफ्स एंड सीजर्स यूज कर रहे हो उसको हमेशा ड्रॉर में छिपा के रखना है, नेवर एक्सपोज्ड,
हाँ, और और एक एटलीस्ट और उसको बात, लाइक एटलीस्ट उसको उल्टा करके आप रखें ताकि वो किसी को लगे ना, है ना। बिल्कुल 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 सेफली रखना है और छिपा के रखना है। प्लस चकला बेलन जो होता है वो एक जोड़ा होता है, कभी इनको अलग नहीं रखना चाहिए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओ, ये मुझे नहीं पता था। ओके, आई एम गोना कीप दैट इन माइंड नेक्स्ट टाइम, चकला बेलन जो, बिकॉज आई बिलीव, ओके सो आई डू बिलीव कि ये मेरी दादी ने मुझे कभी बताया था कि यू नो चकला बेलन जो हमसे साथ रखते हैं वरना अशुभ होता है, पर क्यों होता है ये उन्होंने मुझे नहीं बताया था। इट्स बिकॉज वो दोनों साथ रहते हैं इसलिए दे वर्क टुगेदर। दोनों, हाँ, कोई भी पैर जो होता है ना, अगर हम उसको दूर रखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे भी ऊपर भी हो सकता है। अच्छा, ओके सो चकला बेलन इज ऑलवेज गोना बी टुगेदर, आई एम गोना मेक श्योर ऑफ दैट। बेडरूम्स जो होते हैं, ऑफ कोर्स बेडरूम्स हमारे रेस्ट का रूम होता है आजकल तो, अब लास्ट पैंडेमिक में हमने देखा लोगों का बेडरूम जो है वो उनका वर्क रूम भी बन गया था। तो ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल, दीप्ति जी, बेडरूम के लिए हाउ टू कीप इट पॉजिटिव एंड हाउ टू कीप इट लाइट, उसके बारे में जरा सा बात करते हैं। देखिए बेडरूम की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस डायरेक्शन में आपको प्योनी नाम का एक पौधा होता है, इंडोर प्लांट होता है, पिंक फ्लावर्स होते हैं ब्यूटीफुल, Yes. तो दैट यू कैन कीप इट। प्लस लव बर्ड्स आप लगा सकते हो। बेडरूम में ध्यान रखते हैं कि आपका सिरहाना जो होता है बेड का हमेशा दक्षिण की तरफ होता है, तो इट इज नेचर कंप्लायंट हो जाता है आपका बेडरूम। जी। सो फ्रॉम व्हाट आई और साथ में रिमेम्बर, एक टिप और देना चाहूंगी हाँ बेडरूम को प्लीज प्लीज लेके, प्लीज। आपको कपल हार्मनी के लेवेंडर का अरोमा डिस्पेंसर आप जरूर रखें अपने बेडरूम में, तो इससे कपल्स के बीच में पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ओके ओके दैट आई लव। आई डू रिमेम्बर समवन आल्सो सजेस्टिंग मी पियोनी वंस, बिकॉज दे वर लाइक यू नो अगर आप सिंगल हैं तो फिर अपने बेडरूम के आसपास पियोनीज जो है वो जोड़े में या फिर ना वास जो है वो लगाइए, इससे लव इज एंड यू नो अबंडेंस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। बिल्कुल बिल्कुल लोग जो है बालकनी जो है उसको लेकर भी बड़ी सारी चीजें जो है वो करते हैं, कुछ लोग जो है वो बालकनी में हाँ ठीक है सजाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट अदरवाइज मोस्ट पीपल एंड अप कीपिंग अ लॉट ऑफ देयर यू नो स्टोरेज का सामान इन देयर बालकनी, और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉट वेरी इजी एंड वास्तु कंप्लाइंट होता है। बिल्कुल। देखिए वास्तु क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग यू कैन से। अगर आप अपनी बैल्कनी को क्लस्टर फ्री रखते हो तो कहीं ना कहीं, एक्चुअली बैल्कनीज आर कॉर्नर्स ऑफ योर हाउस, यस यू गॉट माई पॉइंट। तो यस ये कॉर्नर्स में अगर आप क्लस्टर रखते हो तो कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक होती है, तो कोशिश करें कि अपनी बैल्कनी को बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज करें, और इसमें मिट्टी के गमले में पौधे जरूर लगाएं। मिट्टी, आई एम इम्फेसाइजिंग ऑन मिट्टी, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा प्लास्टिक के गमले यूज कर रहे हैं, तो हाँ अवॉइड प्लास्टिक, यूज मोर ऑफ मिट्टी के गमले, बिकॉज इट इज ऑल्सो इको फ्रेंडली एंड बुध का कारक भी होता है जी मिट्टी। तो जी जी आप जी जो भी पौधे लगाएं उसको मिट्टी में लगाएं और मेक इट क्लस्टर फ्री। ऑफिसेज हमारे सबके खुल चुके हैं, ठीक है सबको ऑफिसेज में बहुत बड़े बड़े टारगेट्स दिए गए हैं और इस वजह से डेस्क पर चिपके रहते हैं सारे के सारे, तो ऐसे में भाई ऑफिस की डेस्क पे क्या रखें कि जिससे हमारे बॉसेस जो हैं वो हम पे कृपा करें और साथ ही साथ बिल्कुल हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो खुश रहे, ऐसा क्या कर रख सकते हैं हमारे डेस्क पर। देखिए, ऑफिस डेस्क भी होती है, हर वस्तु की अपनी वास्तु होती है, हर वस्तु की अपनी वास्तु एनर्जी होती है। तो अगर अपनी डेस्क को बहुत ही सिस्टमैटिक क्लस्टर फ्री आप रखते हो तो यू फील गुड। और एक छोटा सा बैम्बू प्लांट अपनी डेस्क पे रखते हो, प्रेफरेबली नॉर्थ की डायरेक्शन में आप रखो, तो आपका ब्रेन जो है ना प्रॉपर काम करेगा। प्लस अगर आपके पास बहुत स्पेस हो तो आप एक मनी प्लांट भी दे सकते हो अपनी डेस्क पे, सो दैट जो मनी प्लांट होता है वो हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस होती है उससे प्रोटेक्शन देता है, तो इट एब्जॉर्ब्स नेगेटिव एनर्जीज। तो आप मनी प्लांट दे सकते हो, और कोई भी पेंस होते हैं उसका जो पॉइंट होता है इट शुड नॉट अपवर्ड। अगर आप उसको अपवर्ड रख भी रहे हो तो उसको कैप लगा के रखो पेन को, पेन हो, पेंसिल हो, पॉइंटेड कोई भी आइटम्स होते हैं उसको अपवर्ड प्लेस नहीं करते हैं, कवर के साथ रखते हैं। प्लस ऑफिसेज में आप कैलेंडर्स जो हैं उसको कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाएं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन घड़ी का प्लेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए,
पॉजिटिव डायरेक्शंस में आपको घड़ी रखनी चाहिए। फाइनली कमिंग टू द एंड ऑफ माय रैपिड फायर, जहां पर मुझे पता है कि आप मुझे बहुत अच्छे से टिप्स दे सकते हैं, दैट वन टिप टू अट्रैक्ट लव। और यू नो मैं चाहती हूँ कि इसे ना आप थोड़ा सा हमारे यूजर के लिए ना थोड़ा सा फ्रेंडली बनाए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है ना सारे के सारे प्रीटी श्योर ये जो वीडियो है ना वो फोन पे देख रहे हैं, ठीक है? तो अगर फोन बिल्कुल पर देख बिल्कुल रहे हैं लोग वीडियो, तो इनको आप क्या कहना चाहेंगे कि फोन पे कैसे यू नो लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू वास्तु? फोन पे अगर आपको लव अट्रैक्ट करना है तो अपनी जो फोन की स्क्रीन है उसमें कोई पॉजिटिव पिक्चर लगाएं, जिसको आप बार बार देख के इंस्पायर हो सको। तो ऐसी पिक्चर्स आपको अपने फोन के डिस्प्ले में लगानी चाहिए। प्लस लव को अट्रैक्ट करने के लिए आप फ्लावर्स की पेंटिंग लगाना बेस्ट होता है, क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं ना हमें देखते ही ना एकदम खुशियों का एहसास दिलाते हैं। तो यू कैन हैव गुड लाइक रोज फ्लावर्स की लगा सकते हो आप, तो इस तरह आप लव को अट्रैक्ट कर सकते हो। You know what? I'll show you the one that I have. This is my you know this is my card or rather my screen saver that I generally have with me. और मेरे को ना हमेशा लोग कहते हैं यार तुम ये वाला screen saver क्यों लगाती हो, but this is the screen saver that I always like, which is of a dancing Sati in front like a dancing Parvati in front of Shiv. जो बड़े लोगों को समझ नहीं आता, I want to know कि शिव जो है वो वास्तु में what is the energy that he carries generally? एक्चुअली शिव जो है होते हैं वो हमारे मन को कंट्रोल करते हैं, चंद्रमा रूल करता है। अगर कोई व्यक्ति शिव जी की पूजा करता है तो उसका मन जो होता है ना बिल्कुल शांत और संतुलित हो जाता है। तो शिव जी की उपासना करने से, उनकी मंत्र की चैंटिंग करने से हम ना पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और मन हमारा सही दिशा में मूव करने लगता है। तो इसीलिए शिव इज सो इम्पोर्टेंट टू अस। लवली, और मुझे लगता है कि मुझे मन को शांत रखने की जरूरत है। यस, सो आई थिंक आई विल टेक दैट फॉर मी। एवरीबॉडी शुड। वेल टू ईच वन इज ओन। कुछ लोगों को लगता है कि मन की शांति बाद में जाएगी, पहले हमको फेम चाहिए, पहले हमको पैसा चाहिए। बट दीप्ति जी, दिस वॉज एब्सोल्यूटली अ लवली सेशन। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको धर्मा लाइव पर आकर? आई वुड रियली लाइक टू नो। I am very thankful to Dharma Life कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, एंड आई विश Dharma Life कि ये बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, और इसी तरह आप लोग पॉजिटिव वीडियोस को लोगों में शेयर करो। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, दिस वॉज एन एब्सोल्यूट डिलाइट टू हैव। थैंक यू सो मच।